देखो ये जो पार्ट है, जो चैप्टर 12 है, आप सोच रहे हो कि मैंने 12 से क्यों शुरू किया। दरअसल हमने इसको इसलिए शुरू 12 से किया, तो हमने एक सीक्वेंस बनाई इश्यू क्रिएट से, जो सुबह पहले लेक्चर में देखी थी ना आपने, कि एक आदमी थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ जिसके लगा जो विक्टिम है वो थाने जाता है, और थाने में एक अपनी बात कहता है कि साहब मेरे थप्पड़ मारा, मेरी चैन तोड़ ली, और ये जो भी उसको वो पुलिस वाले दर्ज करते हैं। और जब पुलिस वाले जब दर्ज करते हैं ना, तो दर्ज करने के बाद अर्थात जो एफआईआर दर्ज करना है वो इन्वेस्टिगेशन का बीज, एक बीज बोना है, और उस बीज से ही फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर चार्जशीट पेश होगी, फिर ट्रायल होगी, जजमेंट आएगा। तो एक तरह से वहां से सीक्वेंस है, और सबसे सही तरीका यही है। जब बहुत ज्यादा समय होता है, जब बहुत ज्यादा समय होता है तो शुरू से चैप्टर वाइज पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आवश्यकता है, और इस चैप्टर जो रह रहे हैं इनको भी सबको कराएंगे, और इसका बहुत सारा पार्ट पहले से ही आ जाएगा बीच में। अब बात करते हैं कि जैसे ही थाने में वो आदमी पहुंचता है, तो पहुंचकर तो वो संबंध में दे रखा है 154 में, लेकिन बात ये होती है कि एफआईआर किस तरह के मामले की होती है। तो जब तक मामला कैसा है, संज्ञेय प्रकृति का है, कॉग्निजेबल नेचर का है, कैसा है, तो पहली बात तो जो मैटर है वो कॉग्निजेबल नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉग्निजेबल नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब कि सिर्फ इसी की होती है? नहीं, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का भी कोई इश्यू हुआ है तो वो भी दर्ज किया जाता है, लेकिन उसके लिए सेक्शन अलग है, सेक्शन 155 है उसके लिए। अभी ये सेक्शन हम बात कर रहे हैं, तो जब भी पुलिस वाले जाएंगे, पुलिस वालों के सामने कोई जाएगा तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये मैटर किस नेचर का है। अब किस नेचर का है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको शेड्यूल में जाना पड़ेगा। तो शेड्यूल खोल के कि भाई क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ था, तो उसने जो पीड़ित है वो सारी बात बता दी। और पीड़ित जरूरी नहीं है पीड़ित ही एफआईआर दर्ज कराए, पीड़ित ही जरूरी नहीं है, कोई अन्य आदमी भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। जब आप इनको नोट्स को देखोगे, नोट्स को देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे केसेस हैं उसमें कि कौन कौन व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ये केसेस इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखना है कि एफआईआर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, एफआईआर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो किस बात की इंफॉर्मेशन देनी है कि दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय सच पर्सन, किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध कर दिया है, इसकी सूचना है। प्रश्न आता है कि ये सूचना कौन दे सकता है? तो एक तो पीड़ित विक्टिम दे सकता है। कौन दे सकता है? विक्टिम दे सकता है। तो विक्टिम के अलावा और कौन दे सकता है? कोई अन्य व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति भी दे सकता है, अन्य व्यक्ति भी दे सकता है इसकी सूचना। ये सूचना देनी किसको है? अब देखो, किसी भी थाने का जो हेड है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर कहलाता है, जिसे SHO कहते हैं, या थाने का भार साधक अधिकारी भी बोलते हैं, तो थाने का भार साधक अधिकारी कौन? थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो थाने के भार साधक अधिकारी को देनी होती है। फिर सूचना का प्रश्न उठता है कि ये सूचना देनी कैसे है? ओरल देनी है, रिटर्न देनी है, आप जैसी चाहो दो वैसी भाषा में दे दो, आपको नहीं लिखना आता तो आप वैसी दे दो, आप लिख के ले रहना चाहते हो तो वैसी दे सकते, जैसी भी भाषा में आप देना चाहते हो ओरल भी दे सकते हो, और लिखित और अलिखित वो मौखिक भी हो सकती है।
तीसरी बात है, नेक्स्ट है, जैसे सूचना दे दी जाती है तो सच इंफॉर्मेशन शैल बी लॉस्ड इन ए बुक विच इज कैप्ट बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस बिहाफ। तो राज्य सरकार द्वारा इस इसके लिए एक पुस्तक होती है, उसमें लिखनी है, उस पुस्तक में दर्ज करनी होती है। अब देखो इसमें जनरली कॉपी कितनी होती है, पहली कॉपी पीड़ित को दी जाएगी, विक्टिम को दी जाएगी। मैं अब हिंदी में लिख रहा हूं, नहीं तो कहने लगेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी में लिख रहे थे आज, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, पर आप जैसे मैं बोलता दोनों शब्दों तो आप अपने हिसाब से। एक कॉपी किसको दी जाएगी, पीड़ित को। अब चूंकि इंफॉर्मेशन दी है तो एक कॉपी कहां रहेगी, थाने में, कहां रहेगी, उस थाने में रहेगी, है ना, पुलिस स्टेशन में। और एक कॉपी थाने का जो हेड है एसपी उसके पास चली जाएगी, और एक कॉपी, अब चूंकि अब से डिजिटलाइज्ड हो गया, पहले तो क्या होता था, पहले कॉपी में चार वो लगाते थे, तीन मूल कॉपी उस आदमी को दे दी जाती थी और उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा के लिखते थे। अब कार्बन कॉपी लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो क्या होता है कि जैसे ही आप उसे कंप्यूटर में करेंगे और जैसे ही फीड करेंगे तो चार जगह चली जाएगी, और एक चली जाएगी मजिस्ट्रेट के, मजिस्ट्रेट के कौन से के, कि जिसका ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे मान लो दो थाने किसी मजिस्ट्रेट के अंडर में, तो दोनों तो थानों के जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई तो एक कॉपी वहां चली जाएगी, ठीक है। तो एक कॉपी पीड़ित को दी जाएगी, क्या उसका कोई पैसा लेंगे, निःशुल्क, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, एक प्रति उसको दे दी जाएगी, थाने में रहेगी, एसपी के रहेगी, ऐसे करके इन कॉपीज को दिया जाता है। जैसे ही ये दे दी जाती हैं तो हर मामले के लिए क्या है कि एक आईओ नियुक्त किया जाता है, कौन किया जाता है, आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हर एक मामले के लिए अलग, एक ही, मतलब एक आईओ नहीं चलेगा, बल्कि हर एक मामले के अलग, मतलब दो तीन आईओ नहीं लगा सकते, या एक को अलग अलग हिस्सों के लिए अलग नहीं लगा सकते, एक ही आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आईओ क्या करेगा, ही शैल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ये तो एक स्थिति हो गई। अब देखो इसमें कुछ केस दे रखे हैं, वो केस इनके ऊपर है कि कौन व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब देखो एक बार नोट्स निकालो, नोट्स देखो एक बार, इन नोट्स की प्रिंटिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। ये मेरी सबसे पहली किताब है जो मैंने लिखी थी। आप देखो हर एक बेयर एक्ट का हर सेक्शन लिखा हुआ है, और बुकलेट की तौर पे अभी तो खत्म हो गई, 1000 छपाई थी तो वो खत्म हो गई थी। फिर अब इसमें कितने ही बार अमेंडमेंट कर चुके हम, इसमें एक केस दे रखा है, दो तीन केसेस हैं उनके, कि कौन लिखवा सकता है एफआईआर। और टेलीफोन, चूंकि आजकल टेलीफोन आ गया, दो केस हैं इसमें, एक तो है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरा सुनील वर्सेस। अब देखो इनकी में जो बातें कही है ना, एक एक लाइन की है। मान लो टेलीफोन पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जैसे एक आदमी है टेलीफोन पर बात कर रहा है, मेरे गोली लग गई है, फला आदमी ने मारी है, और मैं फला आदमी बोल रहा हूँ, थाने फोन किया और चूंकि ब्लीडिंग हो रही है
आदमी की डेथ हो गई, ये कहते कहते डेथ हो गई। तो क्वेश्चन इज दिस, इज इट एन FIR लॉज्ड दिस पर्सन। अब देखो इसमें एक ही चीज की है कि सूचना देने वाले ने अपना नाम पता बता दिया है ना, तब तो ये FIR है। और सूचना बताने वाले ने कि मेरे एक्सीडेंट हो गया, अब कहां हुआ क्या हुआ ये सब कुछ नहीं बताया है तो नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान आप को रखनी है। अब देखो क्या है कि FIR के संबंध में कुछ और बातें भी हम समझ लें कि मान लो FIR लेट हुई है, कैसी हुई है, तो क्या FIR लेट का कोई उनके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स में जो एविडेंट्री वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो एविडेंसरी वैल्यू है, क्या वो प्रभावित होगी, उसके साक्षिक मूल्य पर कोई प्रभाव आएगा क्या? हाँ, उसके साक्षिक मूल्य पर प्रभाव आएगा। देखो अब तक के जितने भी मामले हैं उनमें यह तय हुआ कि FIR जैसे ही घटना हुई उसके शीघ्रता से शीघ्र करानी चाहिए, मतलब FIR मस्ट बी लॉज एज सून एज पॉसिबल। लेकिन मान लो कोई रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से FIR नहीं करा पाए, कोई रीजनेबल कॉज, कोई कारण है जिसकी वजह से FIR दर्ज नहीं करा पाए, तो वो कारण क्या है? विभिन्न केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातें कही इन मामलों में FIR दर्ज नहीं करा पाए। जैसे एक मामला था, लोगों ने मारपीट की, मारपीट में एक आदमी मर भी गया और कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को ले जाने के लिए, जब ले जाने के लिए चले तो वो घायलों के रास्ते में बदमाश बैठ गए और रास्ते में जाने नहीं दिया, पूरी रात निकल गई। तो कोर्ट ने कहा कि ये FIR डिले का रीजनेबल कॉज है। क्या है? दिस इज रीजनेबल कॉज टू लॉज FIR डिले। ठीक है ना, तो ये रीजनेबल कॉज है। दूसरी बात, ऐसे ही जैसे रेप के मामले हैं, रेप के मामलों में डिले FIR को उन्होंने रीजनेबल कॉज माना। जैसे मान लो एक आदमी, एक लेडी है जिसके साथ रेप हुआ और वो महिला कहती है कि मैंने डिले इसलिए कराई FIR क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को या मेरे घर वालों को ये बात पता नहीं चले, मैं अपनी माँ को बताऊंगी, तो माँ को बताने और मैं अपने घर पे जाके बताऊंगी जब ससुराल से पीहर चली जाऊं, ससुराल में रेप हुआ। वो वहां जाके बताती है, फिर कुछ महीनों बाद FIR दर्ज होती है। तो उन्होंने कहा दिस इज द रीजनेबल कॉज। तो क्या समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ये अलग अलग होगा कि कारण, उचित कारण क्या है। उचित कारण का निर्धारण हर मामले में अलग होगा, ये नहीं कह सकते। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि एक तो इसमें क्या समझे आप कि इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, दूसरी बात एक जो ये बेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई, तो बेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई तो ये सब बातें किससे डिसाइड होंगी, केस लॉज के द्वारा। किससे डिसाइड होंगी? केस लॉज से। अब केस लॉज में ये बातें तय हुई। अब मान लो यहां तक तो हम पहुंचे कि FIR दर्ज कराने कोई आदमी जा रहा है और उसकी FIR दर्ज नहीं की, पुलिस दर्ज नहीं करती है, तो इसी का एक सेक्शन है 154। तो वो कोई भी आदमी SP के यहां पर जाके अपनी FIR दर्ज करा सकता है। किसके यहां पर करा सकता है? SP के यहां। 154। अब आपको देखो
सेंटेंस इसी से बनाने हैं। यहां तो लिखा हुआ 154 और एसपी, तो इसका मतलब यह है कि पीड़ित एसपी के यहां पर एफआईआर दर्ज उस सूचना को दे सकता है। मान लो अब एसपी क्या करेगा, एसपी ये करेगा कि उस सूचना को उसी थाने में भेजेगा, उस पर कार्रवाई के लिए पूछेगा भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। मान लो फिर वहां पर भी नहीं हुई तो उस आदमी को 156 क्लॉज 3 में अपनी कंप्लेंट फाइल कराने का अधिकार है। क्या फाइल कराने का? कंप्लेंट। क्या फाइल कराएगा? कंप्लेंट। अब कंप्लेंट में अपने आप समझ रहे हो ना, मजिस्ट्रेट का कंप्लेंट का मतलब ही है कि मजिस्ट्रेट की फाइल होगी जो थोड़ी देर पहले बताई थी। तो मजिस्ट्रेट के कंप्लेंट फाइल करा दी। जब मजिस्ट्रेट के कंप्लेंट फाइल कराएंगे तो मजिस्ट्रेट दो तरह के आदेश दे सकता है। कैसे दे सकता है? दो तरह के आदेश। एक आदेश तो वो दे सकता है, पुलिस को देगा अन्वेषण कर। क्या लिखा है? अन्वेषण कर मामले की कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए, एक लाइन का आदेश। क्या है? अन्वेषण कर। पता है ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है अन्वेषण कैसे करोगे? विदाउट लॉजिंग द एफआईआर यू कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर दिस ऑर्डर ही इज सेइंग यू आर टू लॉज द एफआईआर फर्स्ट, देन यू आर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, देन यू आर टू सबमिट पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2। समझ में आ गया? तो दोनों कर सकता है वो। अब एक तो ऑर्डर ये आ गया, दूसरा ऑर्डर ये आ सकता है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो व्यक्ति आया उसने कहा सर मेरे पास तो पूरे एविडेंस हैं। क्या कहा? मेरे पास सारे एविडेंस हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे सर, सबकी मिली भगत है, ये सब बदमाशी करते हैं, एसपी भी मिला हुआ है, आप भेज भी दोगे तो एफआईआर लगा के भेज देंगे। आपकी कोर्ट में ही आ जाएगा मामला, लेकिन कैसा आएगा? एफआईआर लगा हुआ आ जाएगा। मान लो आप एसपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने गए तो पुलिस वाले करेंगे क्या? आप रास्ते में जा रहे हैं, एसपी की गाड़ी को आपने साइड नहीं दी, उसे गुस्सा आ गया, आपको पीट-पाट दिया, तो क्या करोगे? फिर तो ऐसा लगेगा भाई अब इसके खिलाफ तो कैसे, और पुलिस वाला तो एक भी नहीं दर्ज करे, हिम्मत ही नहीं। तो क्या एसपी हमें ऐसे ही पीट देगा? एसपी का कोई नहीं पीट सकता, तो क्या तरीका है? 156-3 में चले जाएंगे और मजिस्ट्रेट को ये संतुष्ट कर देंगे कि आपको ही प्रोसीड करना पड़ेगा, यदि आपने प्रोसीड नहीं किया तो हमें राइट ही नहीं मिलेगा। अच्छा मजिस्ट्रेट के सामने तो फिर चाहे कोई भी हो देश का, कोई नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, वहां तो नहीं चलेगी किसी की, तो वो क्या करेगा? अच्छा जो बताओ क्या है तुम्हारे पास एविडेंस कि सर देखो ये है, ये वीडियो है, देख लो एसपी साहब पीट रहे हैं, नहीं पीट रहे हमें। तो ये सारा का सारा दिखा दिया, तो वो कहेगा चलो ठीक है मैं तुम्हारे बयान दर्ज कर लेता हूं। तो एक सेक्शन है 200, कौन सा सेक्शन? 200। सेक्शन 200 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देगा, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लिए। मान लो और कोई है कि सर मेरा दोस्त भी था, यही वीडियो बना रहा था, तो दोस्त के भी लगा दिए, दोस्त के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए, फ्रेंड के भी आ गए, ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए तो एक तरह से
ही हैज टेकन कॉग्निजेंस हियर, क्या कर लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस मींस, हां, टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, जुडिशियल माइंड मींस टू अप्लाई द प्रोसीजर, कानून का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो कानून का मतलब कॉग्निजेंस ले लिया। कैसा, कौन सा था, एसपी को क्या चला जाएगा, समन चला जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट पेश हुई है, तय तारीख को कोर्ट आ जाना। समझ में आ गया? पर उन्होंने लगा कि ये लड़के कहीं ऐसा तो नहीं, आजकल सब ये डिजिटल में सब चीटिंग वीटिंग चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गड़बड़ करके ले आए हो। आपने देखा ना, आज ही कोई झुंझुनू का छपा है अखबार में, आज ही छपा है कि 7.5 करोड़ रुपए ठग लिए पुलिस बन के, ऑनलाइन पुलिस बनना है, ईडी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, और 7.5 करोड़ अपने अकाउंट में करा लिए, और आज ही आया है, फ्रंट पेज में आया है वो। और उस लेडी ने कह दिया कि अभी तुम्हें पकड़ लेंगे, और अभी अरेस्ट और पुलिस दिखाई दे रही है उस पे, और ऑनलाइन ठगी। अच्छा, वो भी प्रोफेसर थी, कैसी प्रोफेसर रही होगी कि ऑनलाइन में ही धमकी के चक्कर में आ गई। और जब कुछ गलत किया ही नहीं था तो इतनी डंडे की जरूरत क्या थी, और बाद में कहते हैं मेरे इतना पैसा ठगने में आ गया। तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, तो वो सोचता है कि यार हमारे पास पुलिस है, एसपी ने पीटा भी था, नहीं पीटा था, क्या था, कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं कि किसी उसी एरिया के पुलिस वाले से बोलते हैं कि जा भाई अन्वेषण कर, तो 202 में अन्वेषण का आदेश दे देगा। किसमें? 202 में। और 202 में इसे एक सामान्य तौर पर कभी कभी लोग बोलते हैं 202 की जांच हो रही है साहब। अभी आज पढ़ा था ना 193 का एक्सप्लेनेशन 2, तो वो अन्वेषण वो हो सकता है कि पुलिस को दे दे करने के लिए, या वो कहे किसी आदमी को कहे कि वकील साहब जाके मालूम करके आओ एसपी ने ऐसे पीटा क्या रास्ते में इनको, या वो कहे कि चलो एक काम करते हैं, ये नया ट्रेनी मजिस्ट्रेट आया है, चल तू जा मालूम कर क्या भाई। ट्रेनी मजिस्ट्रेट का दो बैठ रहते हैं, मान लो ज्यादा इतना बड़ा बड़ा बैच है तो एक एक एसीजीएम के पास दो दो तीन तीन लोग बैठेंगे, कौन कराएगा इतनी ट्रेनिंग, इतने तो एसीजीएम ही नहीं है, 222 लोगों को ट्रेनिंग कैसे होगी। तो मान लो चार लोग बैठे, दो इधर बैठ जाएंगे, वो ऐसी लगेगी जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, दो दो लोग इधर और दो लोग इधर, बीच में एसीजीएम, कभी इसको समझाता है देख सुन ले कैसे क्या कर रहे हैं, सब बताना पड़ता है ना, ऐसी ट्रेनिंग होती है। आप जाके देखोगे कोर्ट में तो ट्रेनिंग का तरीका यही है। तो इस तरह का मामला आया, चलो ठीक है, एक मजिस्ट्रेट को कहा जो ट्रेनी मजिस्ट्रेट है कि तुम जाके मालूम करके आओ कि हुआ या नहीं हुआ, तो मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट जब भी जाएगा तो इसको कहा जाएगा इंक्वायरी, क्या कहा जाएगा, इंक्वायरी कहा जाएगा, ठीक है मजिस्ट्रेट। अब देखो इसमें क्या है, यदि पुलिस वाले गए हैं तो पुलिस वाले क्या कर सकते, अरेस्ट भी कर सकते हैं, ये तो उन्हें ऐसा लगता है तो। लेकिन दूसरा व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकता। मान लो वो कहता है, एक आदमी वकील साहब जाते हैं कि सर वो तो बहुत बदमाशी करता है, अरेस्ट करना पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट ने कह दिया हाँ चलो ठीक है अरेस्ट कर लेना, तब तो वो अरेस्ट कर सकता है। एक प्राइवेट आदमी भी अरेस्ट कर सकता है किसी को, मजिस्ट्रेट से कहा वकील साहब एसपी के पास गए थे, वो तो हमारे ऊपर चढ़ रहा था, बड़े वकील बन के आए हो यहाँ पे, आओ यहाँ से, तो मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आई, कैसा चलो ठीक है मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम अरेस्ट कर लेना। अब एसपी के यहाँ गए, एसपी बैठा है, लोगों की सुनना है, शिकायतें सुनना है, वकील साहब पहुंचे, एसपी साहब अभी हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, बोले साइड में बैठ जाओ, ना साइड में बैठने जाए, यू आर अंडर अरेस्ट, ये दिखाते कागज, हाथ पकड़ के उसको लेके आ सकता है, उसको अरेस्ट भी कर सकता है। समझ में आई, सामान्य आदमी कर सकता है। और फिर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं हो रहा अरेस्ट, कहते ही होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मना करेगा ना तो एक काल एक केस और हो गया, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट बन गया है, पब्लिक सर्वेंट के कार्य में व्यवधान डालना
पढ़ाया था ना आईपीसी में, फिर वहां जाए ए? फिर वहां पर और एक और ऑफेंस हो जाएगा, फिर एक और ऑफेंस हो जाएगा। यहां तक का आपको समझ में आया क्या ये बात? तो ये सेक्शन 202, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो महिलाओं के रिलेटेड केस मामले हैं तो इनमें कुछ संशोधन हुए, तो उन संशोधनों को भी 154 में डाला। जैसे लिखा है कि कोई स्त्री है, स्त्री के विरुद्ध कोई ऑफेंस हुआ है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एफआईआर दर्ज करा रही है, मान लो कोई महिला है और महिला एफआईआर दर्ज करा रही है अपने साथ हुए यौन अपराध के लिए, किसी सेक्सुअल ऑफेंस के लिए करा रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोविजन अलग दिया हुआ है कि वो महिला पुलिस अधिकारी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं यौन ऑफेंस, वो यौन अपराध, उनके लिए, और मॉडेस्टी के मामले जितने भी हैं 354 ABCD वो वाले, क्या है कि जब ये ऑफेंस ये बन रहे थे ना, तो बन रहे थे तो सभी लोगों से 2013 में दिल्ली रेप कांड हुआ और उस कांड के समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लोग बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, तो अखबार में छपा बड़ा सा कि इस तरह के बचाव के लिए कौन कौन से कानून होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी थी इसमें कि ये सारी चीजें नए कानूनों में होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो और भी थी, जो लिखी भी थी, कि जहां आप लिखा रहे हो ना ये FIR, वहां कैमरा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैमरा होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। तो जो FIR लिख रहा है और जो लिखवा रहा है उनकी स्थिति वो रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि किन्हीं चीजों को साबित करने और ना साबित करने के लिए वो काम आएगी। इस मामले में ये फिक्स कर दिया गया है कि यदि महिला कोई FIR दर्ज करा रही है तो वो लॉज होगी, ध्यान रखना। दूसरे के लिए तो क्या करते हैं, बिना लॉज के भी काम चल जाता है। एक शब्द है तहरीर या एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी ले लेते हैं, तहरीर पर ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे और FIR लॉज हो जाती है बाद में। बात समझ रहे ना, FIR बाद में लॉज हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे अभी दे के आ गए आप, तो ये इलीगल नहीं है, दे के आ गए। उसने ये जो चार बातें थी चार लोगों के लिए और जो पुस्तक रखी थी जो स्टेट गवर्नमेंट ने रख रखी, इसमें नहीं लॉज की, आपके एक कागज दे के आए, कागज को ही उन्होंने रख लिया अपने पास। तो ये मानो के ये भी सही तरीका है, और जब पाते हैं कि सूचना सही है या गलत है, यदि सूचना सही पाते हैं तो बाद में लॉज की जा सकती है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्या होता है कि जैसे ही FIR कटेगी तो ये चार स्थानों पर चली जाएगी, चार स्थानों पर चली जाएगी ना, तो जहां मान लो मजिस्ट्रेट के पहुंच गई, मजिस्ट्रेट का मतलब कोर्ट में पहुंच गई ना, पहले तो LC लेकर जाया करता था, कॉन्स्टेबल लेके जाया करता था जो कोर्ट का कॉन्स्टेबल है, अब क्या सीधे पहुंच गई, वहां पहुंच गई तो दूसरे दिन प्रिंट निकल के आ जाएगा सामने, वो जैसे पुलिस वाला जाएगा भाई इसके संबंधित FIR कहाँ है, लेके आए, इसमें क्या हुआ, तो मजिस्ट्रेट मांगेगा रिपोर्ट। अब कहते हैं सर ये तो झूठा पाया गया, तो वो झूठा पाया गया तभी भी वहां पर मजिस्ट्रेट के सारे कागज भेजने पड़ेंगे, तब जाके रद्द होगा, रिकॉर्ड में से रद्द नहीं हो सकता। तो ये सारी जगह ना पहुंच के तब तक तहरीर पे ले लेते हैं, बाद में उसकी FIR दर्ज कर लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि तहरीर प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर बाद में कार्यवाही को सही पाकर मामला दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज करना कहा जाता है इसको, क्या बोलेंगे, मुकदमा दर्ज हो गया। समझ में आ गया? 154 FIR से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जो भी कुछ पूछना चाहो।
हाँ हो सकता है। देखो अभी कंसेप्ट एक चीज का और आया है, एक अच्छी चीज और समझ लो। एक शब्द है जीरो एफआईआर, नाम सुना ना, जीरो एफआईआर। दरअसल क्या होता है कि मान लो ज्यूरिडिक्शन, इस ज्यूरिडिक्शन में अपराध हुआ, जयपुर में अपराध हुआ, किसी महिला के साथ अपराध हुआ। अब उसे लगता है कि वो तो यहाँ पे घूमने आई थी, यहाँ ऑफेंस हो गया, और उसे लगता है कि पता नहीं मैं किसी के खिलाफ ऑफेंस यहाँ कराती हूँ तो कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, तो वो जाकर अपने यहाँ वहां जाकर एफआईआर दर्ज करा सकती है। जिस जगह पे एफआईआर दर्ज कराई है, जिस भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, तो वो थाना उस पर नंबरिंग नहीं करेगा, उस नंबर को क्या डालेगा, जीरो नंबर, नंबर क्या डालेगा। और सच एफआईआर शैल बी ट्रांसफर टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर वेयर ऑफेंस वॉज कमिटेड, जहां अपराध घटित हुआ था वहीं से भेज दी जाएगी। क्या होगा, जहां अपराध घटित हुआ था वहां वो भेज दी जाएगी। तो ये तो जीरो नंबर ऑफ एफआईआर है। अब इनका कहना है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती है क्या, हाँ ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपने कोई अंतर नहीं किया, एक क्योंकि आप पे इंस्ट्रूमेंट है, तो वो जो काम हम थाने में बैठ के करते थे वो यहां से आपने भेज दिया। अब इनका कहना है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है क्या। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो आप एप्लीकेशन लेके गए उसमें आप संशोधन करवाना चाहते हैं कि सर अभी मेरे को थोड़ी देर में याद आया है, अभी थोड़ी देर में याद आया है फला व्यक्ति और था, तो आपको जो संशोधन करना है ना वो एडिशनल चीज लिखी जाएगी उसमें, एज इट इज नहीं कर सकते संशोधन, ऐसे नहीं कि इसे हटा दो ये कर दो, जैसा आपने लिखा, क्योंकि एफआईआर की एज सच एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उस किस स्थिति में थे, क्या लिखा, उसकी जांच है। मतलब सोच समझकर कुछ लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा इरादा फंसाने का है, ठीक है ना। तो इस तरह संशोधन का तरीका अलग है उसका। जैसे कोई आदमी कहता है एफआईआर वापस ले ली जाए, वापस का मतलब यह है कि जब कंपाउंड केस होता है जिसमें समझौता योग्य करने वाला, जिसमें समझौता हो सकता है, तो कंपाउंड केस में ये मानते हुए कि उनमें आपस में समझौता हो गया है, एफआईआर लगा दी जाती है, केस बंद कर दिया जाता है। तो कोई आदमी आपस में समझौता कर सकता है केवल कंपाउंडेबल में, और नॉन कंपाउंडेबल है तो वहां कुछ हो नहीं सकता। जैसे बहुत सारे मामले, जैसे हत्या है, रेप है, डकैती है, इनमें कंपाउंडेबल नहीं है, इनमें तो कार्रवाई होगी, 420 है, इनमें तो कार्रवाई होगी। अब आप कहते हो कि साहब हम तो समझौता कर लिया, अब मैं चाहता ही नहीं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो फिर एक सेक्शन है सीआरपीसी का 482, 482, तो 482 में हाई कोर्ट के पास असाधारण शक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तो उसमें उस मामले को हाई कोर्ट बंद कर देता है, जिसे बोलते हैं क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। तो 154 आपके समझ में आ गया, 155 मैंने बता दिया कि जो नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं, कौन से मामले, नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं, उनका उनकी सूचना 155 में दर्ज की जाती है। क्या टाइम हो रहा है, देख के आना सर बैठेंगे, देख के सर बैठेंगे। क्या चीज, नहीं थोड़ा इसको समझना चाहिए। एफआर का मतलब क्या है, फाइनल रिपोर्ट। एफआर का मतलब क्या है, उसका एब्रिविएटेड फॉर्म, एफआर का एक मतलब क्या है, फाइनल रिपोर्ट। एक मतलब क्या है कि जब एविडेंस पूरे नहीं होते हैं तभी भी फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। तो फाइनल रिपोर्ट दो तरीके से हो सकती है, कि 173 की हो सकती है, 173 क्लॉज 2 में हो सकती है, और एक 169 में हो सकती है।
किसमें? तो ये नेगेटिव रिपोर्ट है, एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब इसकी स्थिति भी ये है, इसकी स्थिति भी अलग है। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो ये तो क्या है? चालान। ये तो क्या है? और ये क्या है? छोड़ दो, मतलब एविडेंस नहीं मिले तो क्या करोगे? छोड़ोगे? यस, यू मे से क्लोजर रिपोर्ट। लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलन में क्या है, लोग कहते हैं एफआर लग गई इसमें, तो मेरे केस में एफआर लगा दी। एफआर का मतलब है क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें एविडेंस नहीं है, जिसमें एविडेंस है वो। तो एक तरह से जो आप कह रहे थे 173 क्या फाइनल रिपोर्ट है? हाँ फाइनल तो है, लेकिन इस रूप में समझो आप, यहां क्लोजर रिपोर्ट भी फाइनल ही है ये, लेकिन ये मामले को बंद करने के लिए है। किसके लिए है? अब ये पार्ट क्या ऐसा था जिसमें एक साथ ही पढ़ाना था, बैठेगा? चलो उनकी क्लास करानी पड़ेगी अपने को।